नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दुबे और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं डॉली सिंह और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। भारत और चीन तनाव के बीच पेरिस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से राफेल का भारत आने का इंतजार किया जा रहा था, आखिर ये इंतजार खत्म हुआ। फ्रांस से भारत के लिए 5 राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरी। 29 जुलाई को भारतीय एयरफोर्स का बनेंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अम्बाला एयरबेस पहुंचेंगे। अम्बाला के एयरबेस स्टेशन पर 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। फ्रांस से रवाना हुए इन विमानों को संयुक्त अरब अमीरात में एक एयरबेस पर उतारा जाएगा और फ्रांस के टैंकर विमान से ईंधन भरा जाएगा। इसके बाद विमान अम्बाला एयरबेस के लिए आगे का सफ़र तय करेंगे। पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध के बीच राफेल जेट जंगी विमानों की पहली खेप को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वायुसेना उनमें 60 किलोमीटर तक मारक क्षमता की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइलें लगाने पर भी विचार कर रही है। ये विमान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस से 36 लड़ाकू राफेल विमानों का सौदा 60,000 करोड़ रुपए में किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला राफेल विमान फ्रांस के एक एयरबेस पर पिछले साल 8 अक्टूबर को प्राप्त किया था। 5 विमान भारत आ रहे हैं, ये मई में ही आने वाले थे लेकिन कोरोना महामारी के वजह से ये देर हुई। 36 लड़ाकू विमानों में से 18 विमान फरवरी 2021 तक सौंपा दिन जाएंगे, जबकि शेष विमान अप्रैल मई 2022 तक सौंपे जाने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने पिछले साल फ्रांस में कहा था, मुझे बताया गया है कि फ्रेंच शब्द राफेल का अर्थ आंधी है, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि विमान अपने नाम को। आरडी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।